हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि अगर गीजर से पानी कम आ रहा है तो उसका उपाय क्या है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा वॉच करें। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको इनपुट को बंद कर दिया है। और चलिए दोस्तों, अब इसको हम इनपुट को खोलेंगे। तो देख सकते हैं, इनपुट हमारा सही से वर्क कर रहा है। तो इसको हम पहले लगा देते हैं, तो उसको हम अच्छे से कस कर लेंगे। और इस बीच में हमारा वाल अभी बंद है, इसको हम अच्छे से कस कर लेते हैं पहले। उसके बाद अब हम आउटपुट को खोलेंगे, क्योंकि हमारा गीजर का आउटपुट है। तो देख सकते हैं गाइस, ये पानी नहीं निकल रहा है, बहुत थोड़ा थोड़ा। तो गाइस, इसको जो हमारा ये होता है, जो अंडरग्राउंड वायरिंग करते समय जो तार यूज करते हैं, उस तार से इसको हम पाइप को साफ करेंगे। उसके बाद फिर हम इसको चेक करेंगे, हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो इसको हम अच्छे तरह से पूरा साफ करेंगे, इसमें डस्ट चला जाता है फ्रेन पानी गर्म होते होते। तो ये अभी मैंने साफ कर लिया है। अब इनपुट वाला हम फिर से खोलेंगे। इनपुट वाला को हमने आउटपुट में लगा दिया, जो कचरा होगा हमारा वो क्लियर होने के लिए। तो गाइस, आप देख सकते हैं, मैंने इसको अच्छी तरह से कस कर लिया है। इसको हम ऑन कर दिए हैं, तो कुछ देर तक इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद फ्रेन मैंने इनपुट को निकाल के मैंने इनपुट में कस कर दिया है। और चलिए गाइस, अब हम कस करके उसके बाद हम आउटपुट को भी लगा देंगे पाइप को। उसके बाद हम आपको चेक करके दिखाते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ है। तो हम इसको अच्छे से कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में बेल आइकन को भी आप पर क्लिक कर लें। फिर तो देख सकते हैं, मैंने अच्छे से कस कर लिया, मैंने जहाँ पे ऑन कर दिया है। और चलिए हम आपको दिखाते हैं टोटी से हमारा पानी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो दोस्तों, देख सकते हैं, हमारा आउटपुट से भी पानी आ रहा है। और चलिए देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, बहुत अच्छी तरह से पानी हमारा ये आ रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।